क्या आज क्या बोला तो पापा ये ऐसे ही हंसता रहता है ऑल टाइम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है संडे, संडे का मॉर्निंग आज आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं संडे फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ, हम लोग घर में मस्ती करते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ बोलती हूँ। बट आज हमने डिसाइड किया है तक्ष को फर्स्ट टाइम बाहर ले जाने का, मतलब जैसे मार्केट सामान वगैरह लेने जाना है तब तो जाता ही है, लेकिन एक पिकनिक कह सकते हो या आउटिंग कह सकते हो, जस्ट घूमने जाना है। और जैसे हम पहले जाया करते थे बीच पर, तो वही मैं यहाँ पर आपके भी के साथ शेयर कर रही थी कि देखो तक्ष अब रोल होने लग गया है, तो अभी ये ना कुलाटी मार मार कर इधर उधर बहुत ज़्यादा होने लग गया है। मैं आगे भी आप सभी के साथ किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी उसकी शैतानियाँ। सो यहाँ पर हम निकल पड़े हैं बीच की तरफ। सो यहाँ हम हमारे घर से मतलब बिल्कुल पास में ही है, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो थोड़ा सा क्लिप आप सभी के साथ शेयर की है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर पूरा मतलब चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी रहती है हमारे इधर में, मतलब गैदरिंग बहुत कम रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए हैं बीच पर, तो विहान झूला झूल रहा है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है इसीलिए आपको लग रहा है बहुत तेज़ है, बट बहुत मतलब धीरे धीरे झूला रहे थे ये, तो विहान बहुत इन्जॉय कर रहा था। बहुत टाइम के बाद हम लोग बीच पर आए हैं, लगभग जब से ये कोविड का आया है उसके बाद हम लोगों ने जाना बंद कर दिया था, बट गैदरिंग अभी आने लग गई है। तो इवनिंग में गैदरिंग बहुत आती है शाम को, बट मॉर्निंग में इतनी नहीं रहती है। तो मैं यहाँ पर आप सभी के साथ बातें कर रही हूँ, तो सुनिए आप लोग भी। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम आए हैं बीच पर, आज संडे है, थोड़ा मेरा मूड दो दिन से ठीक नहीं है फ्राइडे से, तो ये बोले चलो बीच पे चलो थोड़ा रिफ्रेश फील करूँगी, तो वही हम आए हैं और मैं यहाँ पर हूँ। और अच्छा बिहान और बिहान के पापा उसको झूला झूला रहे हैं। अभी मैं यहाँ का भी आपको एक लुक दूंगी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये झूले लगे हुए हैं, अभी नए झूले लगे हैं ये, तो कितने प्रिटी लग रहे हैं ना। और तक्ष देख रहा है, नई जगह आया है फर्स्ट टाइम, तो उसको देख रहा है कि क्या है ये, दूर से देखता था अभी ये पास है, कोई रिएक्शन ही नहीं है अभी तक्ष का। तक्ष दूर से देखकर बहुत खुश हो रहा था, तो मेरे को लगा मैं उसको लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिहान को झूला झूला रही हूँ और ये तक्ष को झूला झूला रहे हैं, तो तक्ष बहुत मतलब खुश हो रहा था कि ये क्या नया हो रहा है, मतलब वो देखता है तो ऐसे देखता है पता नहीं ये क्या नया हो रहा है, और बहुत क्यूट लगता है वो मोमेंट। तो ये फैमिली मोमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वही हमने टाइम स्पेंड किया, ये संडे बेस्ट संडे था हम लोग का। तो यहाँ पर ना तक्ष थोड़ा सा डर रहा था जब इसको हमने ऐसे बिठाकर झुलाया था, बट ये बहुत अच्छे से पकड़े हुए थे। और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप मैंने पहले भी यहाँ का व्यू शेयर किया है आप सभी के साथ, बट जो ये झूले हैं तो ये अभी लगे हैं नए, इससे पहले लगे हुए थे, आपने अगर देखा होगा याद होगा आपको, तो दो झूले लगे थे, अभी ये कई सारे लग गए हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज आती हैं। हम शाम को आना प्रिफर नहीं करते इसी वजह से क्योंकि बहुत गैदरिंग होती है यहाँ पर, तो मुझे लगा आज चलो मॉर्निंग में जाकर आप सभी के साथ ये सब शेयर करते हैं। तो यहाँ पर बहुत मस्ती कर रहा था तक्ष, पहले डर रहा था फिर बहुत मस्ती की उसने। तो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, सनराइज़ हुआ है अभी अभी,
तो मेरे को लगा मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और ये है यहाँ का व्यू, पीछे बैक साइड है ये बीच की। तो देखिए यहाँ पे पूरा में ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, कोकोनट ट्रीज बने हुए हैं, नीचे घास जैसी है, तो बहुत प्यारा व्यू आता है। तो मुझे लगा मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। और यहाँ पर देखिए तो काफ़ी सारी चेयर्स पड़ी हुई हैं, जो लोग आते हैं तो वहाँ पर बैठकर आराम से चिल आउट कर सकते हैं। सो वही मैं आप सभी के साथ 360 व्यू शेयर कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। तो मुझे लगा मैं आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ, तो आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ना बिहान रनिंग कर रहा था, तो मुझे लगा मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ उसका। मतलब जब भी वो यहाँ पर आता है, मतलब कई बार बिहान और उसके पापा आते हैं यहाँ पर रनिंग करने के लिए, तो विहान बहुत खुश था आज यहाँ पर। उसको मॉर्निंग में सरप्राइज़ दिया था हम लोगों ने कि हम लोग आज बीच पर चलने वाले हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया था। और मैं आप सभी को दिखा रही हूँ वहाँ पर, देखो वो है शिप दिख रहा था, यहाँ पर ही लहरें हैं, लेकिन लहरों में नहीं जाए विहान, लहरों में नहीं जाओ, उधर लहरों में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बताया था ना मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में कीड़े वगैरह। तो कितनी अच्छी लग रही है ना ये साउंड यहाँ पर आकर, और ज़्यादा कल 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 कल। और मेरे चेहरे पर सीधे सूरज की रोशनी पड़ रही है, क्योंकि अभी, अभी अभी सनराइज हुआ है, देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू हो रहा है यहाँ पर आकर। मुझे इतना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वरना दो दिन से तो इतने बेकार टाइम गया है मैं आप सभी को बता नहीं सकती है। मैंने आप सभी के साथ शेयर कर ही दिया होगा इस ब्लॉग से पहले आई थिंक, तो टचस हो गए, टचस होने वाले हैं नींदों में। उसको लग रहा मुझे कहाँ ले आए, वो 5:30 बजे से जगा हुआ है, तो वो सोच रहा है अब उसको नींद आ रही है। वहां पर देखो वो शिप खड़ा हुआ है, वो शिप दिखा, वो जो फंस गया वहां पर देखो एक शिप आपको अगर दिख रहा होगा बहुत दूर, 1 साल से ऊपर होने वाला है, वो शिप वहीं के वहीं अटका हुआ है। मैं आपको पास का फोटो भी भेज दिखाऊंगी उस शिप का, वहां पर ही अटका हुआ है 1.5 साल से, रास्ता भूल गया था आगे जाना था वो, लेकिन उसने इधर ही टर्न ले लिया, तो यहीं पे फंसा का फंसा रह गया, 1.5 साल हो गया उसको। ये देखो लहरें कितनी सुंदर लग रही है ना, ओ ये जो वाइट पानी आते हुए दिखता है ना, तो इतना प्यारा लगता है। ये देखो ये लहर बनती है तो कितनी प्यारी लगती है, यही है समुंदर की ब्यूटी। कभी समुंदर शांत नहीं रहता, ये देखो कितनी प्यारी लहर बनती है, पीछे से पानी उठता है और वाइट वाइट आके आता है, आंखों को शांति देता है ये चीज, ये वाला व्यू देखकर। ये है समुंदर के बैक साइड का व्यू, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, कोकोनट ट्रीज हैं बहुत सारे, ये देखो पूरा ग्रीनरी, इतना प्रिटी लगता है ये व्यू, ऑसम। ये है 360 व्यू, ये देखो यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए सीट्स पड़े हुए हैं कितने सारे, अब थोड़ी थोड़ी दूरी पर,
वक्त यहाँ पर तक सो गया है, इसीलिए हम लोग अब घर पे जा रहे हैं। मतलब थोड़ा देर और रुकने का मन था लेकिन तक सो गया है, तो इस वजह से अभी नहीं रुकेंगे। अभी हम लोग जाएंगे सीधा बस घर, फिर कभी आएंगे, नेक्स्ट संडे फिर से आ जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, मेरा मन इतना अशांत हो रहा था वो मेरा शांत हो गया, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा क्या हुआ है मेरे चैनल के साथ। सो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पर बैठकर सब बेच देते हैं, यहीं से यहीं बिक जाती है इन लोगों की। अभी मार्केट लगी है यहाँ पर, तो ऐसा डेली होता है, कई बार तो सुबह में होता है, कई बार शाम को भी होता है। मुझे लगा आज मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, यहीं से आई हूँ। तो देखो दुखी आत्मा बैठे हैं, पीछे है हमारा घर। हम लोग बीच से आ गए इसीलिए विहान वहाँ पर ऐसे बैठा हुआ है गुस्से में। हाँ गुस्से में कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा, तक्ष हो गया है तो नहीं और देर रुक सकते थे, और धूप भी बहुत तेज हो गई है। डोंट अंडरस्टैंड, इतना प्यारा लगता है ना ग्रीनरी। ग्रीन क्यों हंस रहे हो अभियान? क्या आज क्या बोला तू पापा? ये ऐसे ही हंसता रहता है ऑल टाइम। क्या बोला था? बोल दिया जो बोलना था। यहाँ पे आज बिहान के वो तक्ष के पापा तक्ष का मालिश करने को आज बोल रहे हैं। मैं मालिश करूँगा आज तक। आपको आते भी है स्टेप्स कैसे करते हैं? तुम बताना मैं करूँगा। ओह देखो देखो उड़ा जा रहा, उड़ा जा रहा पक्षी बन गया। तो तक्ष महाराज हो गए नंगू। पैरों पे पहले जैसे मम्मा बना रही है। पापा आपकी मालिश करे कैसा लग रहा है? तुम तो बस लारी टपकाते रहते हो। हैं तो क्या नहलाने का भी जिम्मा आपने लिया है? नहला देंगे उसमें क्या है? तो अगर मैं आ गया हूँ नहा के तो आज देखना चाहते हैं क्योंकि छोटा क्या कर रहा है। आज पापा उसकी मालिश कर रहे हैं, देखिए देखिए आज पापा उसकी मालिश कर रहे हैं। और ये रहा हमारा छोटा। छोटे की हवा खराब हो जाएगी। मम्मी के नरम नरम हाथों से नहीं हाथों से मालिश हो रही है। कैसा लग रहा है मालिश करा के? ये दक्ष अच्छा लग रहा है उसको। दक्ष दक्ष तो ये रहे उसके टॉयज दक्ष के। सो देखिए रॉकर से सीधे बाथ टब बनाने जा रही हूँ मैं इसको। इसमें नहलाना काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, तो मैं आज आप सभी के साथ इसमें नहलाना भी इसके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही कई बार ऐसे नहला लेती हूँ अपने, और यहाँ पर उसके पापा के नहीं नहला पाते, इसलिए मैंने उनको बाथटब बोला कि आप इसमें नहलाओ। देखिए कितने आराम से बच्चा बैठा रहता है, और यहाँ पर हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे तक्ष के साथ। तो तक्ष थोड़ा पहले ना डरता है कि कैसे मतलब रहता है ना बच्चा, थोड़ा डरता है, और अभी थोड़ी देर बाद यूज्ड टू हो जाता है, खेलता है फिर वो।
सो देखिए यहाँ पर अभी ठीक है, नॉर्मल लग रहा है, वो यहाँ पर दक्षिण आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है संडे, जैसे कि मॉर्निंग से मैं आप सभी के साथ छोटे छोटे क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। मूड मेरा अच्छा नहीं था, लेकिन बीच पर जब मैं गई तो बहुत रिफ्रेशिंग फील किया मैंने और बहुत अच्छा फील कर रही थी आज मैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मैं हमेशा कहती थी फैमिली के साथ संडे बिताती हूँ मैं, तो वही मैंने आज आप सभी के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करने की कोशिश की है। खुल के ब्लॉग हमारा होगा संडे फैमिली ब्लॉग, कैसे हम लोग मस्ती करते हैं, और संडे को ज़्यादातर जो हमारे डेली रूटीन्स होते हैं वो हम नहीं करते हैं, मतलब उतना रूटीन में नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा मस्ती वगैरह करने की। तो वही मैंने आप सभी के साथ आज शेयर की है, थोड़ी सी विहान की मस्ती, थोड़ी सी तक्ष की मस्ती, और जैसे इन्होंने आज बोला कि मालिश मैं करूँगा, तो फर्स्ट टाइम लाइफ में इन्होंने मालिश करी है तक्ष की, क्योंकि विहान के टाइम में इनको बहुत डर लगता था, विहान को लेने में भी इनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। सो फर्स्ट टाइम इन्होंने एक्सपीरियंस किया, और नहलाया भी इन्हीं ने था, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। तक्ष भी रोया नहीं बिल्कुल भी, फेस पे लगाया या कैसे भी नहला रहे थे उनको, वो बिल्कुल भी नहीं रोया कि बहुत अच्छे से नहाया। तो थोड़ा सा मैंने आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश की है, और बस ऐसे जैसे मैंने अपना संडे बिताया है, और आगे अभी क्या बनेगा डिनर में वो भी सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ। मन है कुछ स्पेशल बनाने का थोड़ा। कल ना मैंने रात को मेथी के पराठे बनाए थे, थोड़ा सा आलू मैश किया था उसमें, मेथी के जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाए थे, बस उसमें थोड़ा सा आलू और डाला था बॉईल, तो टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। मैं आगे कभी आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि वो वाले मैंने कैसे बनाए थे। तो वो हमने दही के रायता बनाया था, मैंने बूंदी वाला, तो उससे खाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं था कि तो मैंने कहा पराठे बना लो तो रायते से खाने हो जाते हैं। और यहाँ पर अभी हमारे तक्ष बाबू जो हैं वो खेल रहे हैं, और चादर मैंने धुलने में डाली है, तो वो भी मेरे को बिछानी है। सो थोड़े से कपड़े वॉश किए हैं, वो भी फैलाने हैं, और एक और वीडियो मैंने बनाया था इससे, इस ब्लॉग से पहले आप सभी को मिल ही गया होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, और न्यू क्रिएटर्स तो ज़रूर ही देखना, क्योंकि ऐसा उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है वो लेडी। सो चलिए मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में, और चाय का टाइम हो रहा है, शाम का समय है, तो चाय पियेंगे हम लोग, फिर उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनता है, या फिर बिल्कुल सादा सिंपल दाल चावल बनता है, जैसा भी होगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और एक फ्रेंड ने बोला था आपके ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं कोई कोई, हाँ 25 मिनट का बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, तो 12 से 15 मिनट के बीच रखा करो, तो मैं डेफिनेटली 12 से 15 मिनट का ही रखा करूँगी, अब से ध्यान रखूँगी ज़्यादा लंबा ना हो, और इस ब्लॉग का भी नहीं पता कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में।